श्री राम मंदिर में सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आजकल सावन का महीना चल रहा है और काशी आदि भारतवर्ष के तीर्थों में बड़ी भीड़ होती है सावन में शिव जी के मंदिर में शिव जी का स्मरण करने का और शिव जी को जल चढ़ाने का, शिव जी को दूध चढ़ाने का बड़ा महात्म्य है। तो अभी 19 अगस्त तक ये सावन चलता रहेगा, थोड़ा सा शंकर भगवान को प्रणाम करेंगे सभी लोग मेरे साथ साथ सभी गाएं। शिव शंकर भोले भाले तुम खोला को प्रणाम, सागर करता नारायण, जय करुणा सागर।
Without any form, Lord Shiva can live without any form. किसी आकार के बिना भगवान रहते हैं, उनको निराकार कहते हैं। और जो form है, form का मतलब जो उनके हाथ हैं, पैर हैं, उनके मुख हैं, ये जो है, ये उनका साकार रूप है, with form. As you see the idol of Lord Shiva. शिवजी की मूर्ति हम देखते हैं आपके सामने विराजमान शिवजी की मूर्ति है कि उनके सिर से गंगा जी निकल रहे हैं और शिवजी के जो तीन नेत्र हैं ये तीनों नेत्र एक नेत्र जो बायां नेत्र है वो चंद्रमा है मून और दाहिना नेत्र जो है वो सन सूरज है एक तीसरा नेत्र है यहाँ थर्ड आई तीसरा नेत्र जो है वो कौन है अग्नि फायर तो मून सन एंड फायर तो लॉर्ड शिवा इज ओमनी प्रेजेंट वो सारे संसार में रहते हैं क्योंकि सूरज है इधर चंद्रमा है इधर सूरज निकलेगा तो चंद्रमा इधर पीछे रहेगा फिर उधर जब सूरज इधर घूम के पीछे आएगा तो चंद्रमा इधर से निकल आएगा ऐसे पूर्व में चंद्रमा निकलता है पूर्व में सूरज निकलता है एक आंख इधर रहती है एक आंख उधर रहती है सारे संसार को देखते रहते हैं सूरज और चंद्रमा कभी एक साथ पूर्व में नहीं होते दोनों एक पूर्व में रहता है एक पश्चिम में चला जाता है आपने देखा होगा इसलिए दोनों भगवान के नेत्र हैं और अग्नि जो है भगवान की तीसरा नेत्र है और जिस अग्नि से हम लोग भी कभी कभी हम लोग कुछ भूल जाते हैं तो माता टोकने से ठीक हो जाता है क्योंकि यहाँ पर तीसरा नेत्र है जो हम दोनों नेत्रों से नहीं देख पाते
तीसरे नेत्र से देख लेते हैं। आप मंदिर में आते हैं तो कई बार हम समझ नहीं पाते, सो मेनी प्रॉब्लम्स वी हैव इन अवर लाइफ, व्हेन वी कैन नॉट सी अवर प्रॉब्लम्स इन विद टू आईज, सो वी सिट इन राम मंदिर, राम टेम्पल, एंड वी सिट लाइक दिस, तो हम यहां देखते हैं, तीसरी आंख से देखते हैं। कम से कम 48 मिनट्स, 48 मिनट तक जब आप बैठोगे राम मंदिर में, मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, तो फिर आपको अपने जीवन की प्रॉब्लम्स समझ में आएंगी और उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है ये सब समझ में आएगी। तो ऐसे हमें थोड़ी देर बैठना चाहिए, कम से कम एक 24 घंटे में 48 मिनट। समय नहीं मिले तो रात को जब सब सो जाए तो बैठना चाहिए ऐसे, और आज तक सावन के महीने में ऐसे बैठने से भगवान शंकर हमको रास्ता बताते हैं क्या करना है। वो समस्या बिगड़ रही है, वो जॉब नहीं मिल रही है, तो वो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो शिव जी बताएंगे कि क्या करना है। तीसरी आंख से हम लोग देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो ये शिव जी का स्वरूप। तो सबसे पहली पूजा है उनके बारे में सुनो, शिव जी के बारे में खूब कथा सुनो। यू शुड लिसन ऑल ऑफ द स्टोरीज ऑफ शिव पुराण, ऑफ रामायण, सो मेनी पुराणा जब देर, बहुत सारे पुराण है, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, शिव जी की सब जगह कथा सुनना चाहिए, फिर उनको सुन के मनन करना चाहिए, बार बार अपने जीवन में मनन माने उनको बार बार सुने, सुन के वो हमारे याद रहे, हमारी मेमोरी में रहे। जैसे हमारी बहुत सारी बातें हमारी मेमोरी में रह जाती हैं, ऐसे शिव जी की कथाओं को मेमोरी में रखना चाहिए, शिव हमारे कल्याण, उससे हमारा कल्याण होता है। तीसरा, पहले सुना फिर मेमोरी में आया, फिर मेमोरी में आया फिर जीवन में आना चाहिए, जीवन में आना चाहिए, लाइफ में आना चाहिए। तो इस तरह से तीन चीजें, लेकिन ये थोड़ा सा टफ है, कठिन है, हार्ड है, सुनना, सुन के मन में लाना, फिर जीवन में उतारना, बहुत कठिन है। फिर उसके लिए जब कठिन है तो क्या करना चाहिए, तो फिर शिव जी की पूजा करना चाहिए, सावन के महीने में शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, दूध दही घी शक्कर शहद गंगा जल। अभी सावन के महीने में, अभी जो आज एकादशी है, कल द्वादशी, परसों त्रयोदशी, चतुर्दशी, तो सावन के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भारतवर्ष में शिव जी के सब मंदिरों में भीड़ लगती है, और लोग क्या करते हैं, लोग हरिद्वार जाते हैं, और हरिद्वार से लोग जाते हैं, आजकल तो बस में जाते हैं या कार में चले जाते हैं, फिर वहां कार के ड्राइवर को दे देते हैं, किसी को दे देते हैं, वहां फिर वहां से पैदल आते हैं, हरिद्वार से दिल्ली में रहते हैं या कहीं भी पंजाब में रहते हैं, पैदल आते हैं, और एक कंधे के ऊपर एक डंडी में दो इस तरह के बांध लेते हैं, उनमें गंगा जल भर लेते हैं, तो कंधे के ऊपर गंगा जल भर के हरिद्वार से लाते हैं, फिर अपने गांव में या अपने शहर में जहां मंदिर होता है वहां शिव जी को पैदल लाके गंगा जल तब चढ़ाते हैं। अभी दो दिन के बाद जो चतुर्दशी आने वाले सावन के महीने, उसको बोलते हैं कांवड़ लेके आते हैं, क्या बोलते हैं, कांवड़, कांवरिया बोलते हैं, कांवड़ लेके, कांवड़ में जल लेके आते हैं और भगवान को चढ़ाते हैं। और कई लोग हरिद्वार, कई लोग ऋषिकेश से लाते हैं, हरिद्वार के ऊपर ऋषिकेश है, फिर कई लोग जाते हैं उत्तरकाशी से लेके आते हैं, वो और भी ऊपर है, कई लोग जहां से गंगा जी निकलती है वहां से जल लेके आते हैं, वो है, उसका नाम है गंगोत्री, गंगोत्री से गंगा जल लाते हैं, कई लोग गंगोत्री से गंगा जल लाते हैं उसको रामेश्वरम में चढ़ाते हैं, ऐसा है। तो गंगोत्री में इसलिए कि वहां पर गंगोत्री गौरीकुंड में मैं वहां रहा बहुत दिन, गौरीकुंड के ऊपर गंगोत्री में मैं बहुत दिन तक रहता रहा, अच्छी बहुत अच्छा स्थान है जहाँ गंगा जी निकलती है, तो वहां से जल लेकर आते हैं और शिव जी को चढ़ाते हैं, तो शिव जी प्रसन्न होते हैं। अच्छा, शिव जी के लिए तीन प्रकार के यज्ञ होते हैं, सावन के महीने में बड़ी महिमा है, एक यज्ञ होता है शिव जी के लिए होता है, एक तो जिसमें यज्ञ में आप मंत्र बोलते हैं, उसमें नमः शंभवाय तुम्हाय भवाय नमः शंकराय नमः शंकराय नमः शिवाय शिवतराय, ऐसे मंत्र बोलते हैं,
और स्वाहा करके आहुति डालते हैं। एक वो यज्ञ होता है शिव जी का। एक यज्ञ होता है कि शिव जी का ओम, ये भी शिव जी का मंत्र है, ओम 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 मंत्र का जप करते हैं। लेकिन ओम मंत्र का जप करना कठिन है, एक ही अक्षर का मंत्र है। ओम नमः शिवाय थोड़ा आसान है, ओम छोटा है लेकिन कठिन है, बड़ी मुश्किल, कंसंट्रेशन होना कठिन हो जाता है। ओम जो मंत्र है वो निराकार शिव जी का मंत्र है, और जो नमः शिवाय है वो साकार शिव जी का मंत्र है। नमः शिवाय, नम शिवाय, पांच अक्षर है, शिव जी के पांच मुख हैं, ये मंत्र जपना। और इसमें कई लोग सावन के महीने में कई ऐसी चीजें नहीं खाते जो खाने की नहीं है, ऐसा व्रत रखते हैं, कई लोग व्रत रखते हैं, कई लोग मैंने देखा काशी आदि में कि सावन के महीने में रोटी नहीं खाएंगे, काली फल खाएंगे, दूध ले लेंगे और बस जूस ले लेंगे, ऐसे रहेंगे। कई लोग सावन के महीने में एक बार रोटी खाते हैं, ऐसा करते हैं, आप जो भी कर सकें। कई लोग कहते हैं कि नहीं रोटी खानी है, क्या रोटी चाहे कितनी बार खाओ मन खराब नहीं होना चाहिए, मन बढ़िया होना चाहिए, ये भी अच्छी बात है। मन में शिव जी को रखो तो उसमें क्या है, जरा एक बार, ये थोड़ा सा है तो कठिन, लेकिन एक और तरीका है शिव जी की पूजा करने का। आप कहीं भी बैठे हो तो शंकराचार्य जी ने शिव जी की पूजा की एक और विधि बताई, आत्मा तुम गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यदि कर्म करो मितखिलम शंभो तबाराधन। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों के लिए शिव जी की एक और पूजा बताई, आप लोग कर सकते हैं, सिंपल पूजा, इजी। कैसे, आप बैठ जाओ, न तो धूप चाहिए, न दीप चाहिए, न पान चाहिए, न सुपारी चाहिए, न अगरबत्ती चाहिए, कुछ नहीं, खाली बैठ जाओ। और बैठ के क्या सोचना, हे भोले बाबा, ये मेरा जो शरीर है ये आपका मंदिर है, और इस शरीर में जो मेरी सोल है, आत्मा है, वो शिव जी है। देखो ये शंकराचार्य, हम नहीं कह रहे, शंकराचार्य जी ने लिखा, आत्मा तुम और मेरी जो बुद्धि है ये तुम्हारी पार्वती जी है, हमारी बुद्धि जो है वो पार्वती है, और शरीरम गृहम, ये हमारा शरीर मंदिर है, आत्मा शिव है, देखो शरीर मंदिर है, आत्मा शिवलिंग है, आत्मा शिवलिंग है, बुद्धि है पार्वती, और हमारे प्राण अपान उदान व्यान समान। अभी हम पूजा करा रहे थे तो देखो भगवान को जो भोग लगाते हैं ना, तो भोग लगाने की मुद्राएं हैं, जैसे आप लोग रोटी खाते हैं आप चम्मच से खाते हैं, कई लोग लोहे की चम्मच से ऐसे काटते ऐसे खाते हाथ नहीं लगाते, जैसे भी खाते हैं, भगवान को भोग लगाने के लिए मुद्राएं होती हैं। और पांच मंत्र बोलते हैं, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। प्राण अपान उदान व्यान समान, हमारे शरीर में पांच वायु हैं, हृदय में जो रहती है उसको प्राण वायु कहते हैं, नाभि के नीचे रहती है उसको अपान वायु कहते हैं, सारे शरीर में घूमती रहती है उसको व्यान वायु कहते हैं, गले में रहती है उसको उदान वायु कहते हैं, ऐसे पांच वायु हैं। तो पांच वायु हमारे भोजन को, जो हम भोजन खाते हैं, भोजन को आंखों को ताकत रख देती है, उसी भोजन से कानों को शक्ति मिलती है, उसी भोजन से माइंड को पावर मिलती है, उसी भोजन से इंटेलेक्ट बुद्धि को मिलती है। तो हमें भगवान को भोग लगाने के लिए तो ऐसे लगाते हैं, अभी हमने लगवाया था भोग, तो ऐसे मुद्रा करते हैं, सबसे पहले छोटी उंगली और ये इसको लिटिल फिंगर और ये जो इसको बोलते हैं क्या, रिंग फिंगर और थंब, तीनों को लेते हैं और ऐसे भोजन में से थोड़ा सा ग्रास लेते हैं, या ऐसे ही भगवान को प्राणाय स्वाहा, इस उंगली से प्राण, फिर छोटी उंगली लगा देते हैं, फिर ये इसको इसको रिंग फिंगर मिडिल फिंगर और अंगूठा, फिर भगवान को ऐसे भोग लगाते हैं, अपानाय स्वाहा, प्राण अपान, फिर ये इंडेक्स फिंगर मिडिल और थंब, फिर उदानाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, ये तीनों होंगे अपान, ऐसे लेके भोग भगवान को खिलाते हैं, प्राण प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, फिर वियानाय स्वाहा, में ये तीनों अंगूठा,
व्याहनाय स्वाहा, फिर पांचों उंगली लेके समानाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्याहनाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। ये भोग लगाने की एक विधि है, भगवान को भोग लगाने। तो इस प्रकार के, लेकिन तो कहते हैं शंकराचार्य जी ने कहा है, बोले बाबा ये शरीर आपका मंदिर है और इस मंदिर में आत्मा रूप जो है वो शिवलिंग है, आत्मा शिवलिंग है, शरीर मंदिर है, और प्राण जो है, प्राण अपान उदान व्यान समान, ये आपके शिव जी के गण हैं, मेरे शरीर में रहते हैं, क्योंकि मुझे देखने को शक्ति शक्ति देते हैं, मुझे चलने की शक्ति देते हैं, वही तो है। अगर हवा शरीर में चल रही है तो हमारा पैर घूम रहा चल रहा है, और हवा शरीर में नहीं चलती तो पैर ऐसे रुक जाता है, भगवान पर ऐसा किसी का ना, हाथ कई बार रुक जाता है, काम ही नहीं करता वो, क्योंकि वो वायु हमारे शरीर में वो शिव जी के गण है, सारे घूमते रहते सेवा करते रहते। और क्या कहते हैं, पूजा क्या है, आत्मा है शिव जी और गण है पांचों प्राण, प्राण पांच ज्ञान समान, पांच प्राण, ये शिव जी के गण है, बुद्धि पार्वती है और शरीर मंदिर है, पूजा क्या है, पूजा ते विषयों को भोग रचना। देखो समझदार लोगों की पूजा बता रहे, आप पढ़े लिखे लोग, आप जैसे लोगों का, आप जो भी खाते हैं वो भगवान की पूजा है, इसलिए सावन के महीने में लोग कहते हैं योगी क्यों आप खाएंगे, हम कहते हैं शिव जी को जल चढ़ाओ, आप जब पानी पियेंगे तो शिव जी को जल चढ़ेगा नहीं, हमारे आत्मा में तो शिव जी बैठे हुए, तो जब पानी पियेंगे तो शिव जी को जल चढ़ जाएगा, लेकिन हम चाय का, चाय से भगवान को स्नान कराने की दूध से कराने वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए सावन के महीने में अच्छी चीज खाओ, दूध दही घी शक्कर शहद गंगा जल जूस, मौसमी का जूस पियो भगवान को अच्छा लगता है, और कुछ पियो तो ठीक नहीं, और कुछ माने जो ठीक नहीं है। तो सावन के महीने में कम से कम ये चार, क्योंकि शिव जी को पूजा हो रही है हमारी, ऐसा सोचते हैं, और आत्मा तो कहते पूजा ते विषयों को भोग, मैं नहीं कह रहा हूँ आप बुरा मत, देखो ये भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा है कि जो भी हम खाते हैं वो भगवान को भोग लगता है। भोले बाबा ने जहर पिया, जब जहर पीने लगे पी तो अजब शिव जी ने मुंह में लगा लिया, मुंह में चला गया, तो शंकर भगवान ने सोचा कि मेरे शरीर में परमात्मा रहते, अर्जुन को अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा था, शिव जी विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं, तो शिव जी अर्जुन ने पूछा था विष्णु श्री कृष्ण भगवान से कि आप कहाँ रहते हो, भगवान ने कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदये से अर्जुन तिष्ठति 18वें अध्याय में, अरे अर्जुन मैं सबका ईश्वर हूँ, सबके हृदय में रहता हूँ सबके। अब कृष्ण शंकर भगवान को याद आया कि अर्जुन को भगवान विष्णु ने कृष्ण भगवान ने बोला मैं सबके हृदय में रहता हूँ, तो मेरे हृदय में तो भगवान बैठे हैं, तो भगवान को मैं जहर पिलाऊंगा, मैं जो जहर पीऊंगा मैं नहीं पीऊंगा, वो भगवान के पास ही चला जाएगा। देखो तो शिव जी ने क्या किया, वही उसको जहर को वही रोक लिया, कहां रोका, यहां गले में, और नीचे नहीं जाने दिया, नीचे जाएगा तो शिव जी वो भगवान भीतर हृदय में भगवान बैठे, भगवान को भगवान जाएगा, तो शिव जी ने यही रोक लिया, और आज भी शिव जी ने वो जल यही रोका, वो जहर यही रोका होगा, नीचे जाने ही नहीं दिया। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब उस जहर को नीचे ले जाते हैं, जहर नीचे जाता है तो गड़बड़ हो जाती है, डिप्रेशन हो जाती है, बुरी बुरी बातें, जहर जो है वो यहाँ नहीं रखो, नीचे नहीं ले जाना, क्योंकि माइंड डोंट माइंड, माइंड नहीं करना कोई बात खराब बात, अंदर जाएगी, अंदर तो भगवान बैठे हैं, भगवान डिस्टर्ब होंगे, भगवान डिस्टर्ब होंगे तो हम भी डिस्टर्ब होंगे, है कि? तो ये तो पूजा अपनी विषयों को भोग रचना। कोई कहता बाबा जी आप कपड़े क्यों पहन के आते हो, कपड़े बढ़िया क्यों, भगवान की पूजा करो, बढ़िया कपड़े पहन, खूब बढ़िया नहा धो कर तिलक लगाओ, चंदन लगाओ, तिलक लगाओ ऐसे, त्रिपुंड लगाओ, चंदन लगाओ, बीच में ऐसे कुमकुम लगाओ, ये दोनों शंकर भगवान और पार्वती दोनों, इस तरह से पूजा के विषयों को भोग रखना, जो खाते हैं जो पहनते हैं, ये कपड़े आप पहनते हैं, ये शरीर भगवान का मंदिर मंदिर है, हमारा थोड़ी शरीर है, भगवान का मंदिर है। और कहते हैं फिर क्या, और देखो पूजा, ये समझदारों की पूजा बता रहा हूं आपको, आप लोगों की पढ़े लिखे लोगों की पूजा, पूजा के विषयों को भोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति, हम सोते नहीं है, हम सोते हैं क्या, हम समाधि में चले जाते हैं,
जब शिव जी का नाम लेते लेते याद करते करते शिव जी का ध्यान करते करते सो जाओगे उसको समाधि बोलते हैं। तो वो सोते नहीं है। और क्या है वो कहते हैं जो कुछ भी बोलते हैं निद्रा समाधि संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्रण सर्वागिरो जहां कहीं चलते हैं शिव जी कहां है और शिव जी कहां नहीं है शिवा इज ओमनी प्रेजेंट तो सब जगह है। तो सब जगह है तो जहां भी हम चलेंगे तो शिव जी की परिक्रमा होती है। तो कहते हैं जहां जहां संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि हम जो चलते हैं तो हम शिव जी की परिक्रमा करते हैं क्योंकि सब जगह शिव जी रहते हैं। हम ऐसा सोच के चलते हैं कि यहाँ तो शिव जी रहते हैं यहाँ तो शिव जी रहते हैं यहाँ तो शिव जी रहते हैं हर जगह शंकर भगवान रहते हैं। और फिर बोलते हैं कि और आपकी पूजा तो हो गई चलना फिरना कहीं भी चलते हैं शिव जी अगर मन में हैं तो सब जगह पूजा है। और स्तुति क्या है प्रेयर क्या है प्रेयर वो कहते हैं जो कुछ भी हम बोलते हैं वो सब प्रेयर होती है। देखो संचार पदेव प्रक्षण स्त्रोत्राणि सर्वागिरो क्योंकि हमारे सावन के महीने में हम सोचें हमें जो भी बोलना है बढ़िया बोलना है अच्छा बोलना है जब अच्छा बोलेंगे भगवान की प्रेयर हो जाएगी सारे शब्द भगवान के प्रेयर हो जाएंगे। इसलिए हम लोग भारतवर्ष में जाकर गंगोत्री में जाकर गंगा जी का जल और शिव जी को नहीं चढ़ा सकते कौन जाए यहाँ से तो बड़ी समस्या है। एक तो इतना कभी कभी $1500 का टिकट मिलता है जाने का कभी कभी 2000 का मिलता है कभी कभी मैं गया था तो मुझे 1250 में मिल गया कभी कभी कम हो जाता है चलता रहता है अपडाउन कभी पीक टाइम में जाओ तो बहुत महंगा मिलता है। और फिर टिकट ले चलो वो भी चले जाओ तो फिर एयरपोर्ट से फिर वहाँ अब गंगोत्री हरिद्वार जाने का वहाँ बड़ी मुश्किल हो जाती है फिर वहाँ बड़ी भीड़ होती है इतनी सारी समस्याएं। फिर यहाँ से समय निकाल यहाँ जॉब छोड़ के जाएंगे तो यहाँ भी सब कोई तो पैसा सब बहुत समस्या हो जाएगी। तो एक बढ़िया उपाय ये बताया कि आप यहाँ पर बैठे हो और यहाँ पर आप अपने आपकी मन की कावड़ में और शुद्ध भावना का गंगा जल भर के और भगवान शंकर को चढ़ाओ कितनी बढ़िया बात है। और रोज शिव जी का ध्यान कहते सावन का महीना इसलिए मैंने आपका थोड़ा समय लिया आज सावन के महीने में शिव जी की कथा करो तो बड़ी महिमा होगी सुनो तो बड़ी महिमा होगी। मेरा गाँव मेरे साथ आप ऐसी कल्पना करो कि आप गंगोत्री पहुंच गए और जल चढ़ा रहे मन को वहां जाओ और क्या करना है कावड़ में गंगा जी का जल भर ले रोज थोड़ा थोड़ा कावड़ में गंगा जी का जल भर ले रोज थोड़ा थोड़ा कावड़ का महीना थोड़ा थोड़ा रोज भरना है बढ़िया जल कावड़ में गंगा जी का जल भर ले रोज थोड़ा थोड़ा कावड़ में गंगा जी का जल भर ले रोज थोड़ा थोड़ा शंकर भोले बाबा का शंकर भोले बाबा का शंकर भोले बाबा का भजन कर ले शंकर भोले बाबा का भजन कर ले शंकर भोले बाबा का भजन कर ले गंगोत्री में गंगा जल भर के कांवड़ भर के और भगवान शंकर को चढ़ाने का जो फल है वो भोले बाबा का भजन गाने का फल है पूरा पूरा भजन रोज गाँव फल पर पूजा करो श्री सीता को कह रहे मेरे पर जल चढ़ा दिया है तो समझ लो भावना का जल एक फल है शंकर भोले बाबा का शंकर भोले बाबा का भजन कर ले शंकर भोले बाबा का भजन थोड़ा थोड़ा शंकर भोले बाबा का भजन कर थोड़ा थोड़ा थोड़ा
I'm gonna make you mine.
आपको थोड़ा सा शंकर भगवान के विषय में जानकारी दी। तो भोले बाबा का स्मरण करने से, भोले बाबा का भजन करने से सारे संसार के दुख मिटते हैं। और भोले बाबा ये रामायण की कथा भी भोले बाबा सुनाते हैं, भागवत की कथा भी भोले बाबा सुनाते हैं। तो शिव जी का थोड़ा सा स्मरण सावन के महीने में करना चाहिए। और आपसे अगर कुछ बन सके तो शिव जी को कुछ फूल चढ़ा सकते हैं, दूध चढ़ा सकते हैं, शिव जी को दही घी शक्कर शहद चढ़ा सकते हैं। कभी कभी कहते हैं कि जल के, जल चढ़ाने से, जल के चढ़ाए यमलोक से उबार लेते। शिव जी को जल चढ़ाने से क्या होता है सावन के महीने में? कभी भी चढ़ाओ सावन में तो ज्यादा फल होता है, क्योंकि विशेष अवसर है ना शिव जी की पूजा का, जो आजकल महीना चल रहा है उसको सावन महीना कहते हैं। भोले बाबा के चरणवा मनवा लागन सावन, ऐसा काशी में लोग गाते हैं। सावन में शिव जी के ध्यान में बड़े बड़े महात्मा लोग शिव जी का भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाने से यमराज के दूत हमारे पास नहीं आते, यमलोक में जाना नहीं पड़ता। ये चंदन लगाने से जल के चढ़ाए यमलोक से उबार लेते, चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। शिव जी को जल चढ़ाओ और जल चढ़ा के फिर उनको पूछ के तौलिया से फिर चंदन लगाओ, चंदन लगाओ, चंदन को ऐसे तीन उंगलियों से त्रिपुंड लगा दो, ऐसे शिव जी को लगा दो, चंदन लगाओ तो आपको राज्य दे देते हैं, बढ़िया जॉब दे देते हैं, सरकारी जॉब मिल जाती है चंदन लगाने से। महिमा चावल चढ़ाओ, थोड़ा पानी मिला के, चावल को सूखा नहीं चढ़ाना चाहिए शिव जी को, थोड़ा सा जल छींटे डाल के चावल, चावल में राइस शिव जी को चढ़ाओ। तो कहते हैं चावल अगर शिव जी को चढ़ाओ सोमवार के दिन या शुक्रवार के दिन सावन के महीने में, कभी जब आपको शिवलिंग पर जाओ चावल चढ़ाओ तो चावल चढ़ाने से 14 लोगों में हमारी पहचान हो जाती है। और पहचान 14 लोग, भूलोक, हम लोग एक लोक में रहते हैं, भूलोक, भुवन लोक, स्वर्ग लोक, महालोक, जन लोक, तपो लोक, सत्य लोक, सात लोग ऊपर हैं और नीचे धरती के नीचे सात लोग हैं, अतल वितल सुतल कुलातल भसातल महातल पातल, 14 लोगों के लोग सम्मान करते हैं, आदर करते हैं ये चावल चढ़ाने से। और भगवान को दीपक दिखाओ, शिव जी के सामने दीपक जलाओ, दीप के दिखाए सातों दीप दे देते हैं, सातों दीप सारी धरती पर हमारा। आप लोग कई बार देखो ना, कई लोग इतने फेमस हो जाते हैं उनको इंडिया के लोग जानते हैं, यूएसए के लोग जानते हैं, फिजी के लोग जानते हैं, कनाडा के लोग, आप लोगों को भी तो फिजी के भी जानते हैं, कनाडा के जानते हैं, कम से कम इतने सारे लोग जानते हैं। देखो हमारे साहब हमारे सियाटल से आए पूजा करने के लिए। तो आप सातों दीपों में आपका परिचय हो गया, सात दीप मान धरती के, सारी धरती सात दीपों में बटी हुई है, दीप मान जो आइलैंड को दीप कहते हैं, ऐसे सात दीप हैं हमारे। तो सातों दीपों में भगवान शंकर आपका परिचय करा देते हैं, आपको सम्मान करा देते हैं। कैसे? दीपक भगवान को दिखाओ तो दीपक से उजाला होता है, हमारे मन में उजाला हो जाता है, कहां कहां हम कहां कहां नहीं जा सकते, सब जगह जा सकते, सब जगह सम्मान होता है। और शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाने से कैलाश में निवास दे देते हैं। और बेल चढ़ाने से बेल के जड़ाए सदा संग कर लेते हैं, अपने गणों में बिठा लेते हैं उनको। और हर 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 कहते, एक बार बोलो हर हर महादेव, एक बार और बोलो हर हर महादेव, एक बार और हर हर महादेव। देखो ये हर हर कहने से क्या करते हैं, हर माने हरण करो, हर लो, हर लो माने ले लो, क्या पाप, सारे हमारे दुखों को भगवान हर हर देते हैं, हर लेते हैं। हर हर कहते शिव हरते क्लेश सदा। और शिव जी को वहां काशी में देखा, लोग गाल बजाते हैं, बम ऐसे करते हैं, बम ऐसे करते हैं, गाल बजाते, तो गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं शिव जी को ऐसे। तो मैंने आपको थोड़ा सा शंकर भगवान के विषय में कहा।
पिछली बार हम लोग कुछ चर्चा कर रहे थे और हम चर्चा कर रहे थे राम गीता। तो राम गीता पूरी नहीं हुई थी। उत्तरकांड में रामायण में आप पढ़ते हो, उत्तरकांड में और 42वें दोहा से लेकर